ये देखो ये आ गई काट दो ये वाली। आई बो कैसे जा रही है ये देखो। आई बो आई बो और काट दो आई बो। आई बो आई बो खींच मार के हल्की सी उसमें लगाई और खींच मार दी जब गई है। हाँ आई बो कैमरामैन ने 15 हवा कम है ना तो ढीलम ढील लड़ दे पेज। आई बो आई बो तो भाई यहाँ से मंजा ना कट। हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी। यार पिछली वीडियो में बताई थी ना नई चीज है मेरे पास। आ जाओ नई चीज क्या है गाइस। इसके अंदर है मेरी नई चीज क्या है पूरी अनबॉक्स जल्दी से कर देता हूँ। इधर से तो हुआ पड़ा है ये देखो इसको खोल के मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। इधर से भी देखो पीछे से बना थोड़ी तो ये देखो यहाँ से अब हो चुका है पूरा का पूरा अनबॉक्स। और ये देखो यहाँ पे देखो कुछ ये देखो क्या है ऑटोमेटिक फिरकी इलेक्ट्रिक वाली फिरकी भाई लेके आ गया तुम्हारे लिए। और ये देखो इस पर यहाँ 9 crore 2500 bar ये कहाँ से आया है गुजरात से आया है। गुजरात की फेमस चीज है गुजरात वाले लाइक तो बनता है इस बात पे। और इस पे देखो कुछ लिखा है यहाँ 100% मेड इन इंडिया भाई अपने मेड इन इंडिया ही चीज़ है। और इसमें देखो कुछ ऐसा करके निकला है देख रहे हो अनबॉक्स हो गया कुछ ऐसा निकालू कैसे कभी कहीं से डैमेज ना हो जाए डैमेज तो नहीं हुई। साथ में देखो मेरे को इसमें क्या दिया है एक स्क्रू ड्राइवर और ये दिया है कुछ ये होता कैसे है शायद इस तरह से होता होगा देखो इसको दबाऊंगा ये बटन दे रखा है चलो मैं तो इसको नहीं करता हूं, कभी कुछ इसमें देखो कुछ और दे रखा है आई स्मार्ट ऑटोमेटिक फिरकी चरखी सॉरी फिर ये तो बिना उसके ही हो रहा है। अब चलाऊं जरा अरे वाह ये तो जब काम आएगा जब हम लपेटेंगे। बाय द वे इसको अनबॉक्स करते हैं हमारा कैमरामैन भी खुश हो गया कह रहा है ये नई चीज़ लायो। ये हो गया यहाँ से मंजा ना कट जाए इसका डर है। बाय द वे मंजे की क्वालिटी कैसी है वो तो टेस्ट करने पे ही पता चलेगा कौन सी लूँ आज। गाइस देखो मैंने होल कर लिए हैं होल कैसे करने हैं वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है मैंने अधिकतर वीडियो में आपको बताया। एक्साइटमेंट है मेरे को इसके मंजे की टेस्ट करने की 9 crore इस पे लिखा हुआ है और करने भी मैं इससे ही बांधूंगा। इसको लेने से पहले पूरी वीडियो एंड तक देख लेना कभी आपके साथ कुछ कट ना जाए। 3 से 4 notes लगाऊंगा ये लगाया मैंने निकाला इधर से इसको ऐसे किया और इसमें भी मैं 3 से 4 notes यहाँ लगाऊंगा देखो इसमें 1, 2। और एक चीज बताऊं ये मंजा ना थोड़ा धूप में थोड़ी देर रखा हो गया तो एकदम कड़क कड़क हो रहा है। कड़क क्यों हो रहा है इसके ऊपर चमकीली छोड़ी गई है नहीं छोड़ी गई है वो हम ही बता सकते हैं आप सभी को क्योंकि यार कोई पेड प्रमोशन नहीं है रियल बात बताऊंगा क्योंकि अगर मेरी वीडियो देख के भी 4 से 5 हज़ार लोग भी इसको लेने वाले होंगे शायद ले ही लेंगे जब तक तो भाई कोई मतलब नहीं रह जाता आपके पैसे खराब होने का। चल बन गए अब इसे उड़ाता हूँ जल्दी से इसको उड़ाता हूँ टोकी में रख देता हूँ अपनी उतार करके। यहाँ से मैंने लिया इसको लिया और ये मैंने ऐसे करा अब इसको मैं उड़ा देता हूँ। चलो इसके ओवरऑल लुक दिखाऊं तो यहाँ से देखो चमक मार रही है और इस पर क्या कहते हैं MRP देख रहे 2700 बार कोड भी है लेकिन इतने की नहीं है ये जितने की होनी चाहिए। प्राइस कितना है और ओवरऑल आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए पूरी वीडियो अंत तक देखता ना उसमें ही बताऊंगा कभी आप ले लो फिर आप क्या हो कि मेरे पैसे चले गए। चलो गाइज इसको गाइज अब मैं इसको उड़ाने जा रहा हूँ पतंग जो अनबॉक्स होते हो कहाँ होते हैं ये उड़ चुकी है देखो हमारी पतंग। और गाइज ऐसे ऐसे नए नए एक्साइटमेंट प्रोडक्ट कहाँ अनबॉक्स होते हैं अंकित काइट फाइटिंग पे तो जल्दी से सब्सक्राइब तो बनता है ना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो लेटेस्ट पोस्ट पे जाके लाइक ठोको गिव अवे शायद हो सकता है मैं इसी का कर दूँ। ये इलेक्ट्रिक चरखी होने के बाद भी मैं देखो ऑटोमेटिक चरखी को अपने स्टैंड में लगा दी है ये लग चुकी है मेरी। अब मैं देखो मैं इनसे लड़ाने जा रहा हूँ इनके काटूंगा देखो आगे मैं उधर पतंगे और यहाँ अपना मंजा टेस्ट होगा कैसा है कैसा नहीं है। एक चीज बताओ अगर आपने मंजा एक सही भी ले लिया अगर आपको काट ही नहीं आई तो आपको यही क्या हो गया ना कि बेकार है। गाइस देखो वो हमारे में आ चुकी है पूरी पूरी आ गई पूरी 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 आ चुकी है देखो पूरी पूरी लंबी हो चुकी है। आई बो टावर में जाके एकदम थक गई और ये देखो ये और काटते हुए मैं गाइस पहली पतंग काट दी है कैसे काटी है ढीलों से काटी है इसका कलर भी लेकिन मेरे हाथों में छूट रहा है। गाइस ये देखो ये वाली और काटते हुए ओवरऑल बढ़िया है लेकिन इसका ना सारा मेटेरियल मेरे हाथ में छूट गया सर्दी नहीं लगाई ना। और ये देखो वो लड़ती हुई इसमें बढ़िया फंस के जा रही है हवा कम है ना तो ढीलम ढील लड़ दे पेज। आई बो आई बो काट दिया अभी पतंग
भाई साहब, पर एक चीज है, सब्जी यूज नहीं करोगे ना तो मेटेरियल हाथ में छुटेगा। वो इस मंजे का इसलिए छुट रहा है क्योंकि ये ताजा मंजा होगा, और सारा इसका देखो जो जो मेरे हाथ में जहाँ जहाँ आया है सारा छुट रहा है। कांच तो इसमें लगा रखा है लेकिन अलग ही चमक रहा है, लेकिन मेटेरियल सारा छुट चुका है। ऐसा है मंजा तो बहुत बढ़िया, देखो उधर से भी उड़ चुकी है पतंगे। इतना धार वाला क्यों है? मंजे इतना धार क्यों है? सच बता रहा, झूठ बोल रहा है? सच बता रहा है। इसका हमें पूरा पर्सनल रिव्यू देना एकदम। देखो ना कैसा हो गया, कहाँ से ओ तेरी ये क्या हो गया तेरे हाथ में? कोई नहीं, मोटा भी तो बहुत है। ये उड़ चुके हैं, इसको और काटते हैं। देखो एक और उड़ा रहा है, देखो नीचे से इनकी तो रोज काटते हैं, देख रहे हो उड़ चुकी है ये, इनको और काटता हूँ। चलो ये भाई देखो जो उड़ी है ये पतंगे, दो का हमने काट दिए, बढ़िया टेस्टिंग हुई है इसकी। आई बो खींच मार के हल्की सी उसमें लगाई और खींच मार दी जब गई है, और देखो गाइस नीचे भी उड़ा लिया ये पतंग, इसकी और काटता हूँ। आई बो बच गई गाइस, ये देखो खींच मार रहा ना, ढील दिया है, अब हम मार देंगे गाइस, खींच देखो बचा ली इसमें तो, अब जाएगी देखना। ये बढ़िया बन गया ना दीपक, बढ़िया बन गया ना, बचा ली यार इसने, अब नहीं बचने देंगे लेकिन। एकदम काट दिए तो खींच मार रहा था, मंजा बढ़िया, मतलब कि यार ले सकते हो आप, इसके अंदर बढ़िया मंजा है। अब रेट बताओ इसका, मेरे को बताई थी 1650 रुपए की भेजी है, एक रुपया मैंने क्या कहते, कोई ये नहीं है कि मैं फ्री में अपने वीडियो प्रमोशन के लिए, मैंने नहीं बताया कि मेरा चैनल है ये वो है, पर्सनल रिव्यू के लिए लिए उन्होंने ये भेजी है 1600 रुपए की, वर्थ नहीं है। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से यार एक आध दिन के लिए तुम्हें पतंग उड़ानी है ना, ये उनके लिए है, चरखरी हम जैसे यूट्यूबर के लिए जो आप सभी को दिखा सके, इतना कोई खास फायदा नहीं है चरखी का। 1600 रुपए में तो आपकी भाई साहब 6 रील की मंजे की चरखी आएगी, इतनी टॉप की मैदानी धूम मचा दे जो। चलो हमारा कैमरामैन टेस्ट करते हुए काट देगा उसकी खींच, देखो लोड़ू की, चल 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 ले पकड़ पकड़, नहीं इसे तो पकड़, उधर ही नहीं आ रही है पतंग, अब देख कैसे जाएगी, ये देखो कैसे जा रही है, ये देखो। आई बो आई बो, मक्खन की तरह अब लपेट लू, मैं तो बहुत दूर थी, मक्खन की तरह तेरे पता कुछ भी नहीं हुआ पता। और देखो उधर वाली और काटता हुआ मैं, ये मैंने एक बार में तेर से ली और 5 से 10 सेकंड लगाई होंगी काटने में मंजा, लेकिन ठीक है भाई उसकी तो छूते ही मक्खन की तरह। प्लान दो अगर नहीं कटी ना तेरे पे 30 सेकंड का टाइम, ओनली 30 सेकंड में तुझे पतंग काटनी है, ये काट काट, गिनती लगाओ बस, 7 हो गई जल्दी, 10 अबे जल्दी, 13 अबे जल्दी यार, 14 आई बो काट दी कैमरामैन ने, 15 आधे सेकंड में काट दी तूने तो, मतलब कि 15 सेकंड में 30 सेकंड का चैलेंज। और देखो देखो कन्ने कैसे देखो बांध रहा, इसके लिए बांध रहा कन्ने, ये काटेगा, ये काटेगी छमिया, पतंग नहीं कट रही, नहीं तो इसका जो मेन फायदा है ना वो हम आपको करके दिखा दे, पकड़िए जरा मैं पतंग कटवाने की अपनी कोशिश करता हूँ। और देखो यार इन्होंने दोबारा पतंग उड़ा ली, इनकी दोबारा काटते हुए, कौन काटता मुझे कमेंट करके बताओ। और जिस जिसको मैंने क्या कहते हैं अपना इंडियन मंजा भेजा था ना भाई साहब, वो कह रहे हैं ये हम 6 काट रहे हैं, हम 8 काट रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों ने मेरे को बोला 11 तक पतंग काटी, जो रियल बता रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा कि 15 20 काट दी। और अब आप ऑर्डर बुक कर रहे हो, अब नहीं होगा कभी भी, आप ऑर्डर बुक करना तो कम से कम 15 दिन पहले करना, जब भी आप करो पतंग काटते हुए ये वाली। आई बो पता नहीं कितनी काट दी मैंने, और कैमरामैन ने भी 1-2 काटी, कितनी काटी तुमने? एक। इसको दी थी पतंग, अबे यार इससे रिकॉर्ड बनाना, कितनी काट दी हमने, तूने 1 काटी, मैंने 4-5 पता नहीं कितनी काटी, वो तो व्यूअर्स ही बताएंगे। और वो देखो पतंग काटे थे, वो टंकी में जाके एक अटकी पड़ी है, क्या पता मुझे देना भाई, यार चैनल मेरा, तुम कौन हो यार, व्हाट इज दिस, ये देखो आज तक खींच ढील सबसे काट दी, और ये देखो ये गया खींच मारूंगा ऊपर से, ओ मेरी पतंग घुस गई, बट काट दी पतंग घुस गई तो क्या हुआ, पतंग तो काट दी है, देखो पतंग तो घुस गई मेरी, शायद आ भी सकती है भाई, कुछ पता नहीं है, मंजा तोड़ने पे आ गए, देखो मंजा दिख रहा है, वो लड़का देख सकते हो, उसने हमारी पतंग तोड़ ली है, और वो इस तरह से छुटा रहा है, जैसे छुटा के दिखाओ ना उसे लाइव,
और गाइस जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था ये देखो, अब मुझे मेन इसका जो कारण है ये देखो, ये देखो मंजा अपना लपेटते हुए जा रहा है देखो मजे से। बस इसको आप ऐसे हाथ लगा लेना, स्पीड इसमें इतनी अच्छी नहीं है, इससे तेज तो देखो मैं ये लपेट लेता, वर्थ नहीं है भाई 1600 रुपये जिसको करना है। हाँ भाई मेरे पे तो अंधा पैसा है, ब्लैक मनी है, ये है वो है, चाचा विधायक है, पप्पा सांसद है, तो ले सकते हो। एक चीज बताओ यार, गुजरात में सारे पिंक मंजे ही उड़ते हैं क्या? पिछली बार शिवम सूरती आया वो भी पिंक मंजा था, बस इतनी अच्छी वर्थ नहीं है। ओवरऑल लुक इसकी ऐसी है, इस पे देखो क्या लिखा है, फुली ऑटोमेटिक वन बटन मैकेनिज्म, रिप्लेसेबल बैटरी, रिफिलेबल थ्रेड, रैप थ्रेड फास्ट, फास्ट लंड की फास्ट, वो देख लो अभी जो क्या हुआ था आपके सामने, 100% मेड इन इंडिया, ये हम मान सकते हैं मेड इन इंडिया, लेकिन ये जो है ना रैप थ्रेड फास्ट है, 2700 रुपये इसके अंदर में आपको मिलेगी, बेकार है भाई। इसकी कॉस्ट जो होनी चाहिए ना, इसमें मंजा लगा लो 300-400 रुपये का मंजा, 700-800 रुपये कॉस्ट हो ना तो ले लेना आपके। गाइज एक चीज़ बताऊँ, मैं नेक्स्ट पतंग उड़ा रहा हूँ, इस मंजे की एक खास चीज़ है, मंजा थोड़ा अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन प्राइस बहुत हाई है। मंजा इससे ना इसके हाथ कटे, दिखाइयो मुझे, कट गए। जब ये हाथ काट सकता है तो दूसरों की गांड तब फाड़ सकता है। गाइज गांड तो नहीं फाड़ने वाले, लेकिन हाँ पतंग काट के गांड फिलसाने वाले हैं। गाइज मैंने स्टैंड में लगा दिया अपनी चरखरी और पतंग काटते हुए, और वीडियो बनाते बनाते पतंग लग रहा है मेरे में आ चुकी है, बट नहीं आई है, और उसे तो ऐसी फंसाई है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार। अब तो बेटा गई तेरी, अब तो गई, अब तो गलती फंस चुकी है, देखो एकदम फंस चुकी है, बहुत बुरी वाली मेरी है, ऊपर ब्लैक वाली और रेड वाली है वो, आ गई, बट वर्थ नहीं है इतना 1600 रुपये। जिसको लगता है ना कि मंजा मेरे को अच्छा मिल जाए, बड़ी पतंग उड़ा लूं और पैसा मैटर नहीं करता, ये उसके लिए चरखरी है, बाकी जो भी थोड़े मतलब कि जिनका बजट नहीं हो पाता भाई उनके लिए नहीं है। तो गाइस सपोज अगर आप किसी की वीडियो देख लो इलेक्ट्रिक चरखरी है, उन्होंने उसकी पूरी डिटेल नहीं बताई है हमारी तरह इसकी पूरे पुर्जे खोल करके, तो अगर मान के चलो तुम्हारी पतंग उड़ रही है, ये देखना मैं इसको लपेटने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उल्टा खाली होती जा रही है, देख रहे हो, ये देखना इसको मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा फिर। तो बताऊँ कैमरामैन हमारा उदास हो गया, कह रहा है तुमने यार मेरा हाथ कटवा दिया, दिखाई जरा पूरी बारीकी से दिखा दो भाई, ये रन देखो ये दिख रहा है, ये देख कटा हुआ, तो यार इतने तैयार मैं चिल्लाता हूँ, क्या कहते हैं सद्दी लगा लो, बट हमारे साथ हुआ है, आपके साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाई जाती है, आप समझ में आया, इसलिए सद्दी आपको बोला जाता है। गाइस जो मैं आपको पहले बता रहा था, ये खाली उसको लपेट सकता है जो धागा आपका पड़ा है। अबे ये क्या हो गया, फिर मंजा इसके अंदर एक नंबर है। और गाइस आप कह रहे होगे कि आप इसके बारे में गलत बोल रहे हो, देखो मेरा हाथ दो ना यहाँ, इसको दबाऊंगा पतंग का वेट संभालेगी, ये देखो पास आओ यार, अबे यार ये तो वेट ही ना संभाल पाई, देखो बटन दबा रखा है पूरा का पूरा, ये देखो सही में, अब देखो नीचे जाऊं अब घूमेगी, अरे तब भी ना घूमी, अब घूमी, हाँ घूमी, अब ये रुक गई भाई, ये ना संभाल पाएगी आपका वेट, कभी आप सोच रहे हो कि पतंग उठा लूंगा मम्मी, पतंग उठा लूंगा, ऑटोमेटिक से दिलवा दो 1600 रुपये की बात उठ जाएगी।